सीएम नीतीश ने पटना में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बन रहे जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी भी साथ रहे और मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। तो सीएम नीतीश ने जायजा लिया है और जेपी गंगा पथ का भी जायजा लिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। तो जेपी गंगा का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बन रहे जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी भी साथ में थे। मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे और निर्माण कार्यों का जायजा लिया कि किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है और इसको लेकर निर्देश भी दिए। जेपी गंगा पथ का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और पटना में विकास कार्यों का जायजा लिया सीएम नीतीश ने। तो मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बन रहे जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया है और इसके अलावा आपको बता दें कि विकास कार्यों का जायजा लिया है, साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। और इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी भी मुख्यमंत्री के साथ में थे और मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे, निर्माण कार्यों का इस दौरान जायजा लिया और विकास के कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसका जायजा लिया, साथ ही साथ इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से इसे त्वरित गति से आगे बढ़ा जाए और विकास कार्यों का जायजा सीएम नीतीश ने लिया है। साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया है पटना में और इसी के क्रम में वो जीपी गंगा पथ का भी निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी भी साथ में थे। मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। तो जीपी गंगा पथ का निरीक्षण किया सीएम नीतीश ने, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। और आपको बता दें कि पटना में जो विकास कार्य हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और जो निर्माण कार्य है उसको लेकर निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से ये कार्य जो है वो त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सीएम ने निर्देश भी दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर निरीक्षण किया है। वहाँ तक जाने वाले हैं तो उसके लिए भी देखने आते हैं और दूसरा वो जो बन रहा है तो उसके लिए भी है तैयार हम कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उसी के लिए ना है कि सब लोगों को सुविधा होगी यानी तरीका, तो इसी के लिए तो देखने आते हैं जी। आप देखिए ये लोग तो तैयार ही हैं लेकिन लग रहा है बन के तैयार हो गया, वहाँ तक जाने वाले हैं तो उसके लिए भी देखने आते हैं और दूसरा वो जो बन रहा है तो उसके लिए भी है तैयार हम कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उसी के लिए ना है कि सब लोगों को सुविधा होगी यानी तरीका, तो इसी के लिए तो देखने आते हैं जी। आप देखिए ये लोग तो तैयार ही हैं लेकिन लग रहा है कि अगले साल शुरुआती दौर में ही उधर वाला भी तैयार हो जाएगा और इनका वहाँ तक भी जाने का तैयार हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो बनवाए हैं, एक हिस्सा करवाए लास्ट ईयर, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा, सब इसी को ना देख रहे हैं भाई। वो भी बनाने के लिए कितना पहले से इंटरेस्टेड है आपको मालूम है जी, 10-12 साल पहले से 6 लेन वाला करवा रहे हैं तो उसमें डीले किया है, इधर बार बार जा कर के किए, तब कह दिया है कि हो जाएगा अगले साल शुरुआती दौर में जनवरी वगैरह फरवरी में हो ना जाएगा, तो कहा है श्योर किया है, पिछली बार तुम गए थे कुछ महीना पहले तो ये देख रहे थे कि इनका वहाँ जाने का। तो बीजेपी कैसे बोल रही है कि काम नहीं हो रहा है, कौन काम? तो आप खुद देखिए ना, तो उनका जवाब तो आपको दे देना चाहिए, उसके बारे में तो हम देखते ही नहीं है। आप सर पूछिए तो हम उन लोगों का कोई बयान नहीं देखा, कोई मतलब नहीं। अब आप जानते नहीं हैं कि हम लोग कितना तेजी से काम कर रहे हैं, और जब था ही साथ है तो कभी कुछ बोलता था इधर उधर, और कम्बा तेजी से करवा रहे हैं तब कुछ कुछ बोल रहा है, कोई मतलब है क्या? उसका कोई रोल था? सब ना करवाया जी, इसलिए उन लोगों के बोलने का कोई वैल्यू है?
उन लोगों के बोलने पर मेरा कोई मतलब नहीं, अपना अंड बंड बोलते रहता है, क्या करता है सोचे वही सब।